जीवन के सागर में हर किनारे के पीछे एक कहानी छिपी होती है। यह कहानी हर किसी की नहीं होती, लेकिन जिसे मिलती है वह अद्वितीय होती है। यह कहानी है एक आधार की, जो एक इंसान की मजबूती का परिचय कराती है। निकाल, पैसा निकाल, मुझे दारू के लिए पैसा चाहिए। तुम्हारा तो हमेशा कनाडा के ये तंग आके चुके हुए। ये मंगलसूत्र दे मुझे। क्यों कह रहे हो हमेशा? मुझे दारू के लिए पैसे चाहिए। मैं कुछ नहीं देने वाली यहाँ पे। निकल, फिर निकल मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से। मैं कहीं नहीं जाने वाली, इसे तेरा घर नहीं मेरा भी घर है। कहा ना निकल जा, और जा तेरे बाप से पैसे लेकर आ। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए मेरे बाप से पैसे मांगने के लिए, और वो क्यों देंगे तुझे पैसे? शराब पीने के लिए। पैसे नहीं लाए ना तो रोज ऐसी ही मार खाएगी। तुझे करना है ना वो तो कर। रुक, आज तेरा किस्सा ही खत्म करता, मार डालता हूँ तुझे। तू रुक, रुक। अरे तू क्या मुझे मार डालेगा, मैं खुद ही अपनी जान दे देती हूँ। हाँ जा जा, मर अभी मर। अरे राधा, क्या? अरे तो राधा ही है। राधा, ए राधा, भैरी क्या इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा? राधा, कब से आवाज दे रही तुझे, ध्यान किधर है तेरा? राधा, क्या हुआ राधा, तेरा इतना चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मेरा नसीब ही खराब है रे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो क्यों रो रहे है पगली, पहले आंसू पोंछ ले और मुझे ठीक से बता क्या हुआ। तारू, मेरा एक सपना था, 10वीं के बाद आगे अपनी पढ़ाई पूरी करूं, अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, अपना नाम बनाऊं और अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दो। हाँ तो उसमें तू रो क्यों रही है, तो करना तेरा सपना पूरा। पारो, अब कुछ मुमकिन नहीं है। उसने मेरे बाप से झूठ बोला कि शादी के बाद आपकी बेटी को पढ़ाऊंगा। उसने बहुत झूठ बोला पारो, उसने मेरे सपनों का चक्कर चूर कर दिया। और वो तो रोज शराब पी के आता है, मुझे रोज मारता है, गाली गलौज करता है, अपनी मनमानी करता है, और वो भी अपने बच्चों के सामने। और उस दिन तो उसने सास ससुर के सामने मारा, लेकिन मुझे छुड़ाने कोई नहीं आया, और मेरी छोटी बच्ची बीच में आ गई तो नशे में उसको ही धकेल दिया। उसके सर को लगा इतना सब कुछ होता है पारो मेरे साथ, अब तू ही बता मैं क्या करूं। तेरे सास ससुर को समझा ना, उनको बोल अपने बेटे को शराब छोड़ने के लिए बोले। अरे बोला था बारू कितने बार, लेकिन उनको उनको अपने बेटे की हर बात सच लगती है। कितनी बार तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया
और रात रात भर में अंधेरे में अकेली सोई हूँ। और अब तो अपने बाप के घर में भी नहीं जा सकती, वहां भी मेरे भैया भाभी के बहुत झगड़े होते हैं। अब न पारो मुझसे ये सहा नहीं जाता, और इसलिए मैंने सोचा। क्या क्या सोचा है तूने? चल क्या रहे तेरे मन में? अब ना, अब मैं जान ही दे देती हूँ, तभी मुझे इन सब से छुटकारा मिलेगा। पागल जैसे क्या बातें कर रही है? कभी अपने बच्चे के बारे में सोचा है? उसका क्या होगा? उसी के प्यार ने तो मुझे अब तक रोका हुआ है। तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तू इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। मैं जब भी मुझे हारा हुआ महसूस करती हूँ तो मैं तुझे याद करती हूँ, और तू इतना जल्दी हार मान रही है। तो मैं क्या करूं पारू, एक दिन भी बिना झगड़े का नहीं जाता। आज भी उसने मुझे बहुत मारा और घर से बाहर निकाल दिया। राधा एक बात बोलू, तुझे सपना तेरा पूरा करना है ना, तो पूरी हिम्मत और ताकत से उसका सामना कर। ऐसे मरने से कोई समस्या हल नहीं होती है। मुझे पता है अभी तेरा जीवन पूरा अंधेरे से भरा हुआ है, लेकिन अंधेरे से उजाले का रास्ता खोज, और मुझे पक्का यकीन है तू करेगी। मैंने सुना है अपने गांव के स्कूल में टीचर की जगह निकली, तू उसका जाके फॉर्म भर और अपने सपनों को पूरा कर। हाँ पारू, मैंने सुना है, लेकिन इतना आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता मेरे घर वाले मानेंगे। तो कौन बोला तुझे उनको बोलने? तो चुपचाप बिना बोले ही करना, अपने बेटे के प्यार की खातिर कर। देख मौका अच्छा है तो ज्यादा सोच मत, हर लड़की में झांसी की रानी होती है, तो उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और तू सच में तारू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे ना एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, मैं कल ही उसके लिए अर्जी देती हूँ और अपना सपना पूरा करती हूँ। हुई ना हिम्मत वाली बात, चल उठ। अरे ये सतीश है ना, मैं इसे ही बात कर लूं। हाँ। सतीश रुको ना। आधा बोलो ना, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम है, तो मुझे घर के पीछे आके रात को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं नहीं बता सकती रास्ते पे। आधा तुमने बोला और मैंने किया नहीं, आज तक कभी ऐसा हुआ है? तुम फिक्र मत करो, पक्का आता हूँ, चलो भाई। अब मेरा काम हो जाएगा। तो मेरे किशन को बोलना ही पड़ेगा। अरे किशन, तू इधर बैठ के दारू पी रहे और तेरी बीवी उधर वो सत्या को अंधेरे में बुला रही है, वो भी तेरे घर के पीछे
साला, अरे तेरी पूरी इज्जत उतार दी रे वो। क्या बे हराम खोर, क्या बोल रहा है तू मादर चोट? देख तू मेरे को गाली दे दे। अरे तू मेरा दोस्त है, मैं सहूंगा लेकिन मैं तेरे को आज वही बोलूंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। उसकी माँ की साली, अगर तू बोल रहा है और सच निकला ना, आज सबरी उधेड़ दूंगा उसकी। चल चल तू चल। आज देखता हूँ साली। चल चल ना बहुत सारी के चल। साली को देख ही लेता हूँ और उसका उसका खून कर। चल सतीश। अरे राधा क्या हुआ, दिख रहे मैंने तुम्हें परेशान लग रही थी। सब ठीक तो है ना? मुझे इतनी रात को यहाँ मिलने बुलाया है, अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सतीश मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और वैसे भी मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। तुम मुझे बहन मानते हो ना? मैं मानता हूँ, पर हुआ क्या है? तो एक मदद करोगी मेरी? क्यों शर्मिंदा करे राधा, बोलना क्या हुआ, क्या करना है? अपने गांव के स्कूल में ना टीचर की जगह निकली है, मुझे उसका फॉर्म भरना है। अगर वो जगह मुझे मिल जाएगी ना तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी सतीश। सच में राधा सुन के बहुत खुशी हुई कि तुम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हो, और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा ये काम मैं जरूर करूंगा। डॉक्यूमेंट लाइए कुछ। हाँ। और अभी तुम जल्दी यहां से निकलो, उनके आने का टाइम हो गया है, नहीं तो झगड़ा करेंगे। वो गया मिलके अपने यार से, खुश क्या होगा ना तुम्हें उसे? कितना पैसा मिला, कितना पैसा मिला, कब से शुरू किया ये धंधा? मुझे बोला होता तो मैं इससे भी बड़ा कस्टमर लेके देता तुमको, तू भी खुश और पीने के लिए मुझे पैसा मिलता तो मैं भी खुश, समझे? तू क्या बोल रहा है, वो भी किसी और के सामने? किसी और के सामने? तुम्हें किसी और के सामने करने में शर्म नहीं आती तो मैं क्यों शर्माऊं? और ये मेरा दोस्त है, आज उसी ने ही मेरी आंखें खोली, इसी की वजह से तुम दोनों का चक्कर समझ में आया। अरे कुछ सोच कर बोला कर, तू कुछ और सोच रहा है, मेरा कुछ और काम था। तू नौटंकी मत बोल, मैं सब समझता हूं। तुझे जो समझना है ना वो तू समझ। मैं समझता हूं, रुक निकल दो। धूप कितनी तेज है रे आज। राधा अच्छा हो तू मुझे यही मिल गई, मैं तुम्हारे पास आ रहा था। क्यों, क्या बात है सतीश, आज बहुत ही खुश लग रहे हो। तो बात ही कुछ ऐसी है, आजा पहले मुंह खोलो, मिठाई खाओ। तुम्हारी शादी विधि फिक्स है क्या? अरे नहीं रे पारू, राधा का सिलेक्शन हो गया है। क्या? और आज मैं बहुत खुश हूँ।
ये सिर्फ तुम दोनों की वजह से ही हुआ है और इस बात पे ना मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। राधा, मैंने सिर्फ मेरा काम किया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस बार तुम मना कर ही नहीं सकते और थोड़ी देर में ही तुम मुझे स्कूल के पीछे मिलने आ रहे हो। चलेगा, ठीक है, ले लो, अब मैं चलता हूँ। ये क्या है, सिलेक्शन लेटर? ओके, थैंक यू। थोड़ी देर में स्कूल के पीछे तेरा क्या होएगा रे किसान, तेरा मेरे बिगर क्या होएगा, क्या होएगा तेरा? तेरा क्या होएगा रे किशन मेरे भैया, क्या होएगा मेरे भैया बता। आज का दिन बहुत अच्छा है बारो, सच में देखा ना राधा, प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती। आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। एक बात बोलूं पारू, ये सब तुम्हारे वजह से है। उस दिन अगर तुमने मुझे समझाया नहीं होता ना और आधार नहीं दिया होता ना तो आज ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। अरे छोड़ा भी वो सब, जाने दे, तेरे सास ससुर को भी पता चलेगा कि महिला भी कुछ कम नहीं है, बहुत कुछ कर सकती है। जरूर, चलो घर जाते हैं जल्दी। अरे इधर से आ। अरे ये बेड इतने पीले पीले क्यों है रे, टट्टी गिर दी है तूने किसी ने इसको? तेरा क्या होएगा रे किशन, तेरा क्या होएगा? क्या खबर लाया, क्या हुआ? क्या हुआ, तेरी बीवी दोबारा माँ बनने जा रही है, वो भी किसी और के बच्चे की, और तू मुझे पूछ रहा है क्या हुआ? दिमाग खराब हो गया तेरा या ज्यादा पी रखी है? सटक गया है तू, सटक गया सिरपिया। मैं सटक गया, तेरी बीवी सटक गई है, वो बीच रास्ते में सबके सामने, वो सतीश है ना, उसके हाथों से मिठाई खा रही है और तू मुझे बोल रहा है कि मैं सटक गया। सही है यार, किशन क्या ना कि मैं तेरा दोस्त हूं, मैं इसीलिए तेरे को बता रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। तेरे को नहीं मानना है तू मत मान, चलता हूं मैं। हाँ, अगर तेरे को ना अपने आंख से देखना है तो तू थोड़ी देर में ना स्कूल के पीछे चले जाए, वो लोग दोनों ना वहां पे मिलने वाले हैं, तो तू मिल सकता है उनसे। ठीक है शिरपिया, हाँ जो कुतिया नहीं बचेगी मेरे हाथ से। अरे हम बचनी भी नहीं चाहिए वो छिना, मेरा मतलब है कि ओवर कर दिया ना दादा उसने इस बार। हैं सर, हम सबके सामने रोड पे गैर मर दिया। चल स्कूल के पीछे ना, चल चल।
इंसानी। राधा, क्यों बुलाया मुझे आप? अभी तो बहुत खुश होगी तुम। सतीश, मैं बहुत खुश हूँ। राधा, एक बात बोलूं? बोलो। वो किशन तुझे इतना मारता है, फिर भी तू उसके बारे में हमेशा अच्छा ही बोलती है। हाँ सतीश, वो मुझे शराब पी के बहुत मारता है, लेकिन उसके नाम का ये जो मंगलसूत्र मैंने पहना है ना, इसी की वजह से दुनिया की बुरी नजरों से मैं बचती हूँ, और उसके ही सुख में अभी वह सुख है। और अगर उसको मुझे मार के ही सुख मिलता है तो ठीक है ना, पर मुझे ऐसा लगता है ना सतीश, आज नहीं तो कल उसको उसकी गलती जरूर समझ में आएगी। सच में बहुत किस्मत वाला है किशन, जिस तुम जैसी बीवी मिली। वैसे तुम मुझे क्या देने वाली थी? अरे तुम आप कैसे? मैं बहुत खुश हूं, मुझे तुम जैसी बहन है। सतीश, तूने मेरे लिए जो किया है ना, ये सिर्फ एक भाई ही कर सकता है। आ गए ना, खुल गई ना आपकी आंखें? उस दिन मैं आपको यही बता रही थी, अपने गांव के स्कूल में ना टीचर का फॉर्म निकला था, वो फॉर्म भर रही थी मैं, और अभी मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। और आप किसी और की बातों में आके, जो खुद का परिवार संभाल नहीं सकता, उसकी बातों में आके मुझे बोल रहे थे। देख दोस्त, सुधर जा, अभी भी वक्त है, बहुत किस्मत वाला है तू, मैं तो कोई रोने के लिए भी नहीं होगा तेरे पास, सुधर जा। अरे ये लोग पे भरोसा मत कर, ये लोग तुझे बस खाली अपने शब्दों के जाल में फंसा रहे, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझ पे भरोसा कर। तेरे पे भरोसा करूं? हाँ। तेरे पे भरोसा करूं? सिर पे थोड़ा एहसान है, एहसान। गलत दोस्त चुना मैंने, तेरे पे भरोसा करके मेरे बीवी पे शक किया। निकल निकल निकल। मुझे माफ कर दे, मुझे पता है कि मैं माफी के काबिल हूं, फिर भी मैं तुम्हें माफी मांगती हूं। इस मेरे दोस्त की बातों में आके मैंने तुम्हें मारा, पीटा, कोसा, गाली गलौज किया, फिर भी तुमने उफ तक नहीं की, सब सहती रही। इतना नहीं कि मेरे माँ बाप ने भी तुझे बहुत तकलीफ दी मेरी वजह से। मैं वादा करता हूं कि मैं आज से सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, शराब पीना छोड़ दूंगा, और सिर्फ तुम्हारा आधार बनूंगा।
तुम तुम्हारे सारे सपने पूरे करो राधा, मैं तुम्हारे साथ आधार बन कर। मैंने सच में बहुत तकलीफ दी तुम्हें, लेकिन मुझे छोड़ क्यों मत जाना राधा। आपको मालूम है ना, आपका नाम किशन और मेरा राधा है, और राधा कभी किशन को छोड़ के जा सकती है भला? मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। एक आधार जो हमें जमीन पर खड़ा रखता है, जीवन की लहरों में हमें स्थिरता देता है। जब तूफान आता है और आसमान आंसू बहाता है, एक आधार हमें आगे बढ़ने का साहस दिलाता है। जिंदगी के रास्तों में जब हम गुमराह हो जाते हैं, एक आधार हमें राह दिखाता है, सहारा बनकर रहता है। उसके बिना जीना मुश्किल होता है। एक आधार जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। एक आधार जो हमें अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने की हिम्मत देता है। जब हार और विचलितता के बाद भी हमें उस आधार का सहारा मिलता है। ये वो बांधन है जो हमें हर कठिनाई में संभालता है। एक आधार जो हमें हर मोड़ पर साथ देता है और हमें संगीन बनाता है। उसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। एक आधार जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।